केशियस स्टेट, केसी अवस्था, यूनिट टू। आज हम पढ़ेंगे द बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बैरोमेट्रिक वितरण नियम के बारे में जानेंगे। बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमने आइडियल गैस के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन पढ़ी थी। उसके पोस्टुलेट्स में हमने कहा था कि गैस का दाब जिस भी कंटेनर में वो भरी हुई है सभी जगह एक जैसा होता है। प्रेशर इज ऑल अलाइक इन द कंटेनर, ठीक है, सभी जगह समान दाब पाया जाता है। यह धारणा तभी तक सही होती है जब तक कोई बल क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। चूँकि हम प्रयोगशाला में सारे प्रयोग ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण बल के अंडर में करते हैं, इसलिए अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स पर क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। हमें जानते हैं कि अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैस, ठीक है। गैस में ये वैल्यू क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है और हम इसे नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन हमारी गैस कैसी गैस है? अगर हमारी गैस हाई डेंसिटी वाली गैस है तो हाई डेंसिटी वाली गैस में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पे कंसिडरेबल अफेक्ट आता है। उच्च घनत्व वाली गैसों और द्रवों में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये इस बात से प्रूव होता है कि जब हमारी हाइट बढ़ती है, हम कहते हैं कि जब हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ने के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ये इस बात का प्रूव करता है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का अफेक्ट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या अफेक्ट होता है वो कंसीडर करके हम बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ जानेंगे, हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ हम बात कह रहे हैं, ये हमने क्या किया है, ये हमने एक सिलेंडर लिया है, गैस का कॉलम लिया है। गैस का कॉलम जो हमने लिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कह रहे हैं हम, ए, और वो किस पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर है। क्रॉस सेक्शन एरिया यह हमने बता रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना बता रखा है, ए, और इसकी जेड हाइट पर प्रेशर कितना है, पी, ठीक है। जेड हाइट पर प्रेशर कितना बताया हमने, पी, और अगर पी से ऊपर डी जेड और चढ़ जाते हैं तो हमने क्या कहा, हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर में कमी आती है तो पी क्या हो जाता है, पी माइनस डी पी हो जाता है। जब हाइट जेड है तो प्रेशर पी है, जब हाइट जेड प्लस डी जेड हो जाती है तो हमारा प्रेशर पी माइनस डी पी हो जाता है। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने लिखा है हाइट जेड पर प्रेशर कितना है हमारे पास, पी है, और डेंसिटी इसकी डी है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब हाइट जेड प्लस डी जेड हो जाती है तो हमारा प्रेशर पी माइनस डी पी हो जाता है। हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, पी माइनस डी पी हो जाता है। हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर कम हो जाता है। हम कहते हैं कि फोर्स लगने वाला बल, किसी भी परत पर लगने वाला बल, F का मान हम किससे देते हैं, F इज़ एक्चुअली वी डी जी। एफ किससे आता है हमारे पास, वी डी जी। वी इज़ वॉल्यूम, डी इज़ डेंसिटी एंड जी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की जगह हमने लिखा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और हमारी हाइट क्या है, जेड है। तो हमने वॉल्यूम की जगह क्या लिखा, वॉल्यूम की जगह हमने लिखा जेड माइनस ए। डेंसिटी जो हमने हमारे फॉर्मूले में डी लिखी है, हमने यहाँ पर डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, हमने यहाँ डेंसिटी को इस रो से रिप्रेजेंट किया है, और ये जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमारा बल का मान क्या आया, जेड इंटू ए इंटू रो इंटू जी। किस हाइट पर, यह हाइट हमारी जेड पर है, ठीक है। जब हम इससे ऊपर वापस ऊपर इससे इतना जाते हैं, डी जेड हाइट बढ़ जाती है तो हमारा प्रेशर कितना हो जाता है, पी माइनस डी पी, और हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, हमने यहाँ फोर्स को लिखा है कि जब हाइट डी जेड बढ़ जाती है तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, एफ प्लस डी पी। परिणामी बल अब क्या हो गया, एफ प्लस डी पी। और जेड की जगह हमने क्या लिखा, जेड की जगह हमने लिखा जेड प्लस डी जेड। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही लिखी हमने, ए की जगह ए लिखा, रो की जगह रो
रो लिखा और जी की जगह हमने जी लिखा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर वन थी, एफ इजिकल टू जेड ए डी जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन क्या थी, जेड ए रो जी। इक्वेशन नंबर टू क्या हो गई, एफ प्लस डी एफ इजिकल टू जेड प्लस डी जेड ए रो जी। इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो एफ प्लस डी एफ माइनस एफ कितना आया हमारे पास, हमारे पास आया डी एफ। डी एफ इजिकल टू यहाँ क्या हो गया, जेड प्लस डी जेड माइनस जेड करेंगे तो हमारे पास क्या आया, डी जेड। और बचा हुआ चीज़ जो हमारे पास सेम है वो हमारे पास क्या आई, ए रो जी। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया डी एफ इजिकल टू डी जेड ए डी जी। ये फोर्स था, हम दाब नाप रहे हैं। दाब क्या होता है, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, दाब क्या होता है, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर कितना हो गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ हमारा प्रेशर P माइनस डी पी है और यहाँ हमारा प्रेशर P है। माइनस करेंगे तो P माइनस डी पी माइनस पी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी पी। तो हमने यहाँ पे प्रेशर की जगह क्या लिखा है, माइनस डी पी। व्हाट डज माइनस साइन रिप्रेजेंट, माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है हाइट बढ़ने के साथ साथ। फिर हमारे पास यहाँ आता है F अपॉन A। F हमारे पास क्या आया था, यहाँ से हमारे पास F आया था डी जेड ए रो जी। तो हमने लिख लिया डी जेड ए, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी डी जेड ए रो जी, और नीचे A है, A से A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डी जेड रो जी। तो हमारा फार्मूला क्या आया, माइनस डी पी इजिकल टू डी जेड रो जी। ये इक्वेशन वन जो है, ये इक्वेशन वन माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट बढ़ने के साथ साथ दाब में कमी आती है। डी जेड आपके पास हाइट में चेंज है, रो डेंसिटी है और जी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस इक्वेशन को हम आगे काम में लेंगे। अभी हम वापस हमारी पुरानी इक्वेशन पर जाते हैं, पी वी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इजिकल टू एन आर टी हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, एन क्या होता है, व्हाट इज़ एन, एन होता है डब्ल्यू अपॉन एम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। और तो एन की जगह हमने लिखा डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। इसे रीअरेंज करा हमने, रीअरेंज जब हमने करा तो वी इधर आ गया, तो हमारे पास यहाँ ये इक्वेशन क्या हो गई, आप देखो इसको, इस इक्वेशन को हमने लिखा, पी इधर ही रहने दिया हमने, डब्ल्यू के पास एम और वी नीचे आ गया आर टी। डब्ल्यू अपॉन वी, व्हाट इज डब्ल्यू अपॉन वी, डब्ल्यू अपॉन वी क्या कहलाता है, पी रो डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो वो हमारे पास डेंसिटी हो गया, ये एम इधर आ गया, तो पी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू डेंसिटी। हमने एक्चुअली क्या किया, हमने इस फॉर्मूले पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हमने क्या निकाला, हमने वैल्यू निकाली है रो की, जो हम रो की वैल्यू यहाँ से निकाल के इक्वेशन वन में लिखेंगे, डेंसिटी क्या आई, पी एम अपॉन आर टी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उस इक्वेशन में जब हम रो की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाता है, माइनस डी पी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, माइनस डी पी इज इक्वल टू डी जेड रो जी। तो माइनस डी पी की जगह हमने डी पी करा और माइनस साइन इधर आ गया। रो की जगह हमने क्या वैल्यू रखी, रो की जगह हमने वैल्यू रखी माइनस पी एम अपॉन आर टी, जो भी हम पीछे इक्वेशन में देख के आए थे। फिर हमारे पास जी और डी जेड एज इट इज है। रीअरेंज द इक्वेशन, P को P की तरफ ले गए, तो ये वाला जो P है वो नीचे आ गया, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन आर टी डी जेड। ये हमारे पास इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन आर टी इंटू डी जेड आया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी पी अपॉन पी का इंटीग्रेशन आप हम सब जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एन पी। तो हमने लिख दिया लॉग एन पी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन आर टी, माइनस साइन है माइनस लगा दिया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, जेड।
और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं सी। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे लोअर लिमिट दे करके। व्हेन पी इज इक्वल टू पी ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जेड अगर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो गई, तो जब लॉग एन पी ज़ीरो इज इक्वल टू सी आ जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आई, इससे हमारे पास सी की वैल्यू आई क्या आई, सी इज इक्वल टू लॉग एन पी ज़ीरो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन द अबव इक्वेशन वी गेट एल एन पी इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन आर टी जेड, और सी की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी, सी की जगह हमने वैल्यू रख दी लॉग एन पी ज़ीरो। रीअरेंज करेंगे पी पी ज़ीरो को एक साथ करेंगे तो ये प्लस नीचे जाके डिवाइड हो गया, एल एन पी ज़ीरो अपॉन पी हो गया, ये पी अपॉन पी ज़ीरो हो गया, और यहाँ हमारे पास माइनस एम जी जेड अपॉन आर टी। जब हम इसे लिखेंगे लॉग एन हटाएंगे तो इधर ई की पावर आ जाएगा, तो पी अपॉन पी ज़ीरो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन आर टी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन आर टी। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी कहलाती है बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन आर टी इज अ बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। अतः समीकरण इसको हमने क्या लिखा, P इज इक्वल टू पी ज़ीरो दिस। दूसरी बात हम कहते हैं कि गैस का दाब प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। गैस का दाब प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो हमने P वाली इक्वेशन को C के रेस्पेक्ट में लिखी, C इज इक्वल टू C नोट e की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन आर टी। ये है बेरोमेट्रिक वितरण नियम, जो बोल्ट्जमैन वितरण नियम का एक स्पेशल रूप है। बेरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ओके, इस समीकरण के अनुसार हमने क्या देखा, इस समीकरण के अनुसार माइनस डी पी अपॉन पी आपेक्षिक कमी दाब में स्थिरांक एम जी जेड अपॉन आर टी तथा ऊंचाई में वृद्धि के गुणनफल पर निर्भर करती है। ठीक है, समीकरण के अनुसार हम क्या कहते हैं, दाब में आपेक्षिक कमी माइनस डी पी अपॉन पी स्थिरांक एम जी अपॉन आर टी तथा ऊंचाई में वृद्धि डी जेड के गुणनफल के बराबर होती है। इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है कि इससे हमारे पास ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर किसी गैस का दाब धरातल पर जब डी जेड ज़ीरो है तब उसका अगर दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 5 किलोमीटर इंक्रीज होने पर इसका दाब जो है पहले से आधा रह जाता है। हमने क्या देखा, 5 किलोमीटर हाइट बढ़ती है तो दाब आधा हो जाता है, अगला 5 और बढ़ता है तो दाब 1/4 हो जाता है, 15 पे 1/8, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता रहता है। यानी प्रत्येक z प्लस 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर दाब का मान पूर्व मान से आधा हो जाता है। ये पहली बात हमें इस ग्राफ से दिखी। दूसरा जो हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दूसरा ग्राफ हमने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पर, हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पर हमने लिया है पी अपॉन पी नॉट, और जेड एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, जेड को लिया है। जब हम इसे प्लॉट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर तो टी थ्री से टी वन तक टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जब दाब कम है तो ग्राफ कर्व वाला है, जब दाब बढ़ता जाता है तो ग्राफ कंपैरेटिवली स्ट्रेट होता जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निम्न ताप की अपेक्षा उच्च ताप पर वितरण समान होता है। ठीक है, उसका वितरण जो होता है वो समान होता है। उच्च ताप पर ऊंचाई के साथ दाब में परिवर्तन अधिक प्रभावशाली नहीं होता है और उसका वितरण समान हो जाता है। यदि ताप इनफाइनाइट हो जाता है तो प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। ये हमारा है बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। थैंक यू।